ऑस्ट्रेलिया और फिजी में दोबारा रिलीज होगी रणवीर सिंह की सिम्बा। कोरोना वायरस पर काबू पाने की भारत के साथ साथ दूसरे देश भी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में धीरे धीरे चीजें नॉर्मल हो रही हैं। खबर है कि फिजी और ऑस्ट्रेलिया में एक्टर रणवीर सिंह की साल 2018 में आई फिल्म सिम्बा को दोबारा रिलीज किया जा रहा है। इससे पहले न्यूजीलैंड के सिनेमाघरों में अजय देवगन की फिल्म गोलमाल अगेन रिलीज हो चुकी है। दोनों फिल्मों के डायरेक्टर रोहित शेट्टी हैं। रणवीर सिंह की इस एक्शन ड्रामा फिल्म को भारत में काफी पसंद किया गया था। इसने भारत में बढ़िया कमाई भी की थी। रणवीर सिंह सिम्बा एक अनाथ पुलिस वाले की कहानी है जो शुरुआत से ही रिश्वतखोर होता है, लेकिन बाद में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे उनका जमीर जाग उठता है और वो दूसरों का खात्मा करता है। इस फिल्म में रणवीर के साथ सारा अली खान मुख्य भूमिका में नजर आई थी, वहीं सोनू सूद इसके विलन थे। आपको बता दें कि रणवीर सिंह ने सोशल मीडिया अकाउंट पर फिल्म के पोस्टर को शेयर करके बताया है कि ये फिल्म फिजी में तो रिलीज हो चुकी है लेकिन ऑस्ट्रेलिया में 2 जुलाई को रिलीज होगी। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं रोहित शेट्टी और उनकी कॉप यूनिवर्स की ये तीसरी फिल्म है। रोहित के कॉप यूनिवर्स की चौथी फिल्म सूर्यवंशी भी बनकर तैयार है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से हुए लॉकडाउन के कारण इस फिल्म की रिलीज को टाल दिया गया था। फिल्म में अक्षय कुमार और कटरीना कैफ मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। इसके अलावा इस फिल्म में अजय देवगन और रणवीर सिंह का एक्सटेंडेड कैमियो भी है। रणवीर सिंह के दूसरे प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें तो वो हिंदी सिनेमा के सबसे बिजी रहने वाले एक्टर्स में से एक है। कबीर खान के डायरेक्शन में बनी रणवीर सिंह की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म 83 भी बनकर तैयार हो चुकी है। उनकी फिल्म का इंतजार फैंस कर रहे हैं। इसके अलावा रणवीर जयेश भाई जोरदार में भी मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे।